मंगल कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी, सब स्पेस में कैसे कैसे घूम रहे थे। सब बहुत थे, बहुत बेस्ट था पिक्चर, वही है मेरे लिए बस। अच्छा था, नॉट सेटिस्फाइड, लाइक the story was supposed to be motivational, inspirational and serious, but in an honest opinion, like a very bad word is coming to my mouth, but I won't say it, but disappointed. Sorry? Yeah. So the story was a very nice story, but when a story comes to Bollywood, when Bollywood touches story, I expected much more from this. Like from in this time, good films are being made, right? Like they are making good films. But this film, the same thing happened. The Bollywood touch. Like the scientists are dancing in the rooms with Jharu and all. You don't do that while you are doing a Mission Mangal, right? That's not how you go to Mangal, of course. What about the other sectors? Other sectors, yeah. I like the camera work, of course. I like the camera work. Direction-wise, I don't think it's flawless. Direction-wise. Acting-wise, he's good. Acting-wise, of course, he's good. But again, if he's playing a scientist character, I don't think this is a scientist character. Okay, can you start? 0.5? Yeah. या फिल्म बहुत बढ़िया है, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। इंडिया का सबसे बड़ा मिशन था ये, और इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया फिल्म बनाई गई है। कहानी ने बहुत इम्प्रेस किया है, फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, और एक्टर्स में कहूँ तो अक्षय कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सारी जितनी भी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, कृति कुलारी है, विद्या बालन है, और भी जितने कलाकार हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। सोनाक्षी सिन्हा का भी काम बहुत अच्छा है। गाने फिल्म में हार्डली एक है, वो भी बैकग्राउंड में चलता है, तो गाने पे फोकस नहीं, फिल्म में कंटेंट पे फोकस किया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा मिशन था, जो सिर्फ इंडिया ने आज तक सक्सेसफुली किया है। फिल्म में दिखाया गया कि चाइना ने 8 बार ट्राई किया, अमेरिका ने 4 बार ट्राई किया, लेकिन वो लोग फेल हुए मार्स तक जाने के लिए। हम लोगों ने 1 बार ट्राई किया और हम लोगों ने सीधा छक्का मारा। सो यस, यूनिक सी कहानी है, और काफ़ी सस्ते में हम लोगों ने कैसे लोगों ने चैलेंजेस फेस किए। काफ़ी ज़्यादा परमाणु से भी रिलेटेड फिल्म है, जैसे परमाणु बनी थी उससे सारा काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस मिलेगा आपको, बट फिल्म इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी चलेगी। 5 में से 4। थैंक यू। वेरी नाइस। इज वी कैन से द डिफरेंट कॉन्टेंट इज कमिंग इन अवर बॉलीवुड, फाइनली द स्टोरी इज हिटिंग। कि पहले हम सिस्टर स्क्वायर सॉन्ग्स को देख कर ही करते थे, पर नाउ इज़ द स्टोरी, पीपल आजकल स्टोरीज को जैसे पसंद कर रहे हैं, वैसा स्क्रिप्ट, स्टोरी, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। या वन थिंग कि सॉन्ग्स जो नहीं थे, जो थे वो काफ़ी मैचिंग थे टू द स्टोरीज। यस, वेरी मच। या वो मन, जैसे कि फिल्म में भी बोला गया है, होम साइंस रॉकेट साइंस बना रहा है, एंड इट्स रियली इट डिड इट। 4। पिक्चर अच्छी है, अच्छी बनी है। अरे खाने क्या, मतलब 1% भी बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, मतलब थ्रू आउट, और इवन उसका जो मतलब VFX है बहुत अच्छा हुआ है, जो रॉकेट और सैटेलाइट। हाँ, बढ़िया रोल लगा है, मतलब शर्मन जोशी मतलब बहुत बेटर है, जो उसका मतलब जोनर है वो बहुत मिला, अच्छा उसने मतलब प्ले किया है। अरे फुल वाइट, 10/10 है हमारी तरफ से, बिकॉज वी आर द VFX आर्टिस्ट ऑफ दैट मूवी, मतलब हम खुद में हमारा मूवी देखने गए थे इसीलिए। बढ़िया भाई, पिक्चर तो हद कर दी, इतनी अच्छी लगी। अक्षय कुमार ने इसमें जो रोल किया है, जो अब्दुल कलाम जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनसे जो प्रेरणा ली और उसको बखूबी निभाया है उन्होंने। विद्या बालन A1, पूरी प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको बोलते हैं ना, उसी ने प्रोजेक्ट लीड किया है। सबसे बड़े साइंटिस्ट के रूप में अक्षय कुमार बताए, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करना और इतनी अच्छी तरह, श्रवण जोशी है, तापसी पन्नू है, दूसरे जो 4-5 है, सोनाक्षी सिन्हा है, छोटा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसी के साथ में सर, अगर बात करिए और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी बात कही गई है,
हाँ, मतलब हमारी भारत की नारियाँ कहाँ तक पहुँच सकती है यही बताया। ओरिजिनली जो लेडीज़ थी उनका भी लास्ट में फ़ोटो दिखाया और उन लोग उनके चलते ये मंगल मिशन कामयाब हुआ। कितने स्टार देना चाहिए सर? इसमें 5 में 5 दूंगा एकदम। चलिए, जय हिंद। कहानी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, बट इट्स अ फैमिली फिल्म, तो बहुत इजी वे में उन्होंने समझाया है, कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करी है चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट पार्ट है फिल्म का। और नेगेटिव पार्ट भी है कि जो अगर पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है वो बोलेगा कि अरे यार, बट जो एक फैमिली ऑडियंस जा रही है, जो बच्चे जा रहे हैं, सबको ही समझ सकता है। मतलब अगर मैं ऑटो वाले भैया को ही बोलूँगा आके चल लो, तो उनको भी बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, उनको भी नहीं हो गया भैया ऐसा नहीं वाला सुना। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, सबके परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट है, स्पेशली अक्षय कुमार, विद्या बालन, अमेजिंग। जी हाँ, ये मैं जब क्या कहते हैं 2014 में चीज़ हुई थी, तो मैं पढ़ रहा था उन साइंटिस्ट के बारे में, तो उसमें भी सेम स्टोरी है, उन्होंने भी यही चीज़ें की थी कि हाउस की जो चीज़ें हैं, क्योंकि और ये लीड औरतों ने ही किया है मिशन, तो उसमें सारी जितने भी घरेलू चीज़ें जैसे हमारे घर में मम्मी वगैरह सब आटा वगैरह सब करते हैं, वैसे ही उसमें भी यही चीज़ें की गई हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसी जुगाड़ जो इंडिया में चलता है कि जुगाड़ यूज़ करके हम सब कुछ कर लेते हैं, वैसा ही जुगाड़ इन्होंने मास मिशन में किया हुआ है। 3.5 थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी कि किस तरह से सरकारों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी, पीक पे था टेररिज्म हमारे कंट्री में, उसको उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसको दबाया, तो इस फिल्म में उसको दिखाया गया है, तो हमारे यूथ जो है वो अवेयर होंगे उससे। क्या आपको इस इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह से पता था कि ऐसा ऐसा हुआ था, बट ये अंदर में किस तरह से सरकारों ने इसको छुपाने की कोशिश की थी ये हमें नहीं पता था, तो इसमें वो हमें पता चला है। और जॉन कितने इंटरेस्टिंग लगे हैं? बहुत। इस तरह की फिल्में जॉन अब्राहम पहले भी कर चुके हैं, ये आई थिंक ये रॉ भी करा था उन्होंने, वो भी मैंने देखा था, तो वो उसमें जचते हैं। हाँ, कहानी अच्छी थी, ऐसे कहानी तो हम लोग जान रहे थे, लेकिन अंदर की कहानी इसमें बताई गई, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सबसे इंटरेस्टिंग आपको फिल्म में कौन सा पार्ट लगा? ये लास्ट वाला जो लास्ट, वो सबसे अच्छा था, क्योंकि उन्होंने पूरा उसको खोल के रखा है कि कैसे कैसे। आउट ऑफ 5 मैं 4 दूंगा। फिल्म बहुत बेहतरीन है। जोन ऑफ टाइम का काम ओबियसली हमेशा से बेहतर रहा है, एंड इसमें उन्होंने फाड़ू काम किया है, जो उनका डेडिकेशन है, जो काम को लेकर मतलब सीन किए उन्होंने प्रॉपर। क्या नहीं नहीं बाटला, उसकी स्टोरी नहीं पता थी एक्चुअली। इसमें स्टोरी बेसिकली ये बताई गई कि मतलब जो लोगों की परसेप्शन है पुलिस को लेकर, जो अपने लोग पुलिस वाले काम करते हैं उनको मतलब ये फेक काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दिखावटी TRP के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है, वो ओबियसली बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों की मतलब अपनी हेल्प बहुत करते हैं। जॉन का काम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का मुझे अच्छा लगा, एंड सेकेंड हाफ तो मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया। और गाने कैसे लगे? गाना एक ही था, साकी साकी, एंड वो तो था इंटरेस्टिंग। एंड कितने स्टार मिलेंगे? लगभग 4-5 में से 4 मिलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी, बिल्कुल अच्छी लगी, एकदम बढ़िया। देख के है ना पता चला कि बिहाइंड द सीन क्या था, सिर्फ इंसिडेंट्स के बारे में सुना था, पिक्चर देखने के बाद पता चला कि क्या एक्चुअल स्टोरी थी। हाँ, सुना था, मतलब जो एक्चुअल, फिर जो पिक्चर देख के पूरी बैकग्राउंड की स्टोरी और क्या एक्चुअल हुआ होगा वो समझ में आया। गाने भी ठीक थे, मूवी ओवरऑल अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एंड एक्टर्स के काम के बारे में? बहुत अच्छी थी, बिल्कुल। जॉन कितने स्टार देना चाहेंगे? फुल 5। सर, जॉन के एक्शन के बारे में बताइए। ओके, कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत ही अच्छी मूवी थी वैसे तो। एंड जॉन अब्राहम का काम कैसा लगा? वो तो हमेशा अच्छा ही एक्टर रहता है, मुझे उसकी सारी मूवीज पसंद आती है। उसमें सब कुछ दिखाया था कि बाटला हाउस में मतलब एनकाउंटर कैसे किया था, क्या सच था क्या झूठ था, दिल्ली पुलिस को जो ब्लेम किया था वो सब झूठ था, सब कुछ दिखाया गया था। म्यूजिक में
थोड़ा ही अच्छा लगा, बट फिर भी म्यूजिक का जो गाना था वो अच्छा था। मैं इस मूवी को 4.5 स्टार्स। फिल्म अच्छी थी, ऑफ कोर्स नो डाउट अच्छा था। इंडिपेंडेंस डे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा फिल्म था। हाँ, मैंने स्टोरी सुनी थी उसकी। आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट, तो वी नो अबाउट इट। तो दिस वॉज वेरी गुड थिंग के इंडियन पुलिस के बारे में जो ऑल द ये दिए गए थे उसके लिए बहुत ही अच्छा जॉन ने प्रूव किया था। एंड स्पेशली द लास्ट पार्ट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी नाइस। इस डायलॉग की बात करें तो आप पहले अवेयर थे इस कहानी से? जी जी जी, पता था ये बाटला हाउस का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। ऑथेंटिक तो था ही, यस, विद एंटरटेनमेंट। जॉन की परफॉर्मेंस की बात करें तो सुपर्ब, सुपर्ब। जॉन तो बहुत अच्छी तरह इस किरदार को निभाया है इस फिल्म में। जॉन के अलावा किसी और ने आपको इंप्रेस किया काम में? जॉन बस। और कुछ एंटरटेनमेंट फैक्टर है फिल्म में? एक सॉन्ग है ना, साकी साकी, बस। अदरवाइज नो नीड फॉर एंटर, द फुल मूवी वॉज एंटरटेनिंग ओनली। 5 out of 5. Mam last.